चैप्टर 6 नाइन्थ स्टैंडर्ड पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। बेटा टू लाइंस ने जड़ियाँ ए पैरेलल ने एल ते एम से जड़ी ए एन लाइन है ए की एन ट्रांसवर्सल जड़ी दोनों नु कट दी है। आ टू लाइंस एल ते एम पैरेलल ने एन ना जड़ी इन्हां नु ट्रांसवर्सल है जिहड़े अलग अलग डिफरेंट एंगल्स बनाउंदे ने इहनूं आपां एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 इहनां नूं मार्क कर लिया होया। इहनां दे आपस दे विच रिलेशनस ने ते इहनां एंगल्स दे नेम्स ने। सब तो पहलां असीं इंटीरियर एंगल्स देखांगे जिहड़े लाइन दे अंदरले पासे ने। इंटीरियर मीनस अंदरले पासे इंटीरियर ऑफ लाइनस केड़े केड़े एंगल्स ने एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6 ये केड़े हो गए इंटीरियर एंगल्स। नैक्सट है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर जिहड़े लाइनस दोनों लाइनस तो बाहरले आउटसाइड ने बाहरले पासे ने एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8 ये केड़े हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। उस तो बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा केड़े होणगे 4 ते 6 ए पेयर बन गया। पेयर मीनस दो एंगल्स 4 ते 6 मतलब एक लाइन दे इस साइड फिर एक दूसरी साइड। सिमिलरली 3 ते 5 एंगल 3 एंड 5 ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 एंड 6 ये भी की हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स। करस्पोंडिंग एंगल्स होंगे ने एक एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर 1 एंड 5 ये दोनों की हो गए ने करस्पोंडिंग एंगल्स। 2 एंड 6 ये करस्पोंडिंग एंगल्स हो गए ने। सिमिलरली एदा एक्सटीरियर एदा इंटीरियर 7 एंड 4 8 एंड 3 ये करस्पोंडिंग एंगल्स हो गए ने। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बेटा नाम तो ही तुहानू पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल दे सेम साइड ते इंटीरियर एंगल्स। सेम साइड मीनस आ दोनों एंगल ने जिहड़े इंटीरियर दोनों एंगल पहले इंटीरियर ने इंटीरियर एंगल ये चारों ने सेम साइड ते किहड़े किहड़े हो गए 3 एंड 6 4 एंड 5। उस तो बाद बेटा एक्सियोम है फस्ट है जिहड़ी तुहाडी इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइनस दैन ईच पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल। जेडे बेटा करस्पोंडिंग एंगल ने वो इक्वल होंगे मीनस एंगल 1 है जो एंगल 5 दे इक्वल होएगा एंगल 2 है जो एंगल 6 दे इक्वल होएगा एंगल 7 है जो एंगल 4 दे इक्वल होएगा एंगल 8 है जो एंगल 3 दे इक्वल होएगा। एक्सियोम 2 है जी इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइनस सच दैट पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल दैन लाइनस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो यह कन्वर्स है तो उल्ट है भी जे करस्पोंडिंग एंगल दोनों इक्वल होंगे मीनस एंगल इन दे कोई भी पेयर है जो इक्वल हो जाता है 1 एंगल 5 दे इक्वल हो जाता 2 एंगल 6 दे इक्वल इन दे 4 जो पेयरस बनाए ने 4 दे कोई भी इक्वल हो जाता दैन लाइनस की हो गई दोनों लाइनस हो गई पैरेलल हो गई। उस तो बाद थ्यूरम तुहाडी 1 स्टेटमेंट है उन्होंने मैं तुम्हें अंडरसटैंड कराने लग्या इफ ट्रांसवर्सल इंटरसैक्ट टू पैरेलल लाइनस दैन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा मैं तुम्हें दस चुका भी 4 एंड 6 ये दोनों की होंगे जे दोनों लाइनस पैरेलल ने दैन ये एंगल्स की होंगे इक्वल होंगे लाइनस का पैरेलल होना जरूरी है जे लाइनस पैरेलल है तो। उस तो बाद एंगल 3 है इक्वल होएगा एंगल 5 के। थ्यूरम नंबर 2 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइनस सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल दैन लाइनस आर ये तो कन्वर्स हो गया भी जे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मीनस एंगल 4 एंगल 6 दे इक्वल है एंगल 3 एंगल 5 दे इन दे विच एक पेयर भी हैगा तो भी ये लाइनस की होणगियां पैरेलल होणगियां। थ्यूरम नंबर 3 इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइनस दैन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंटरी। बेटा जे दो लाइनस पैरेलल ने तो तुहानू पहले मैं दस्या भी ट्रांसवर्सल दे सेम साइड ते इंटीरियर एंगल्स केड़े केड़े ने 3 एंड 6 3 एंड 6 दा जिहड़ा सम की होएगा सप्लीमेंटरी एंगल्स केड़े हुंदे ने ऑलरेडी मैं दस चुका जिन्हां दा सम 180 डिग्री हुंदा मीनस जे दोनों लाइनां पैरेलल ने तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 किन्ना होएगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 किन्ना होएगा ये भी 180 डिग्री होएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल टू लाइनस दैन
two lines such that a pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary, then ethon ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 5, ਲਾਈਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ, वन पैरल टू ईच अदर, मीनस बेटा जो थ्री लाइनज ने आ लाइन ने सपोज करो एल है जोड़ा वह एम दे पैरल है, राइट, एम है जोड़ा एन दे पैरल है, एल है जोड़ा एम दे पैरल है, एंड एम है जोड़ा एन दे पैरल है। इट मीनस जोड़ा एन है वह कद पैरल होएगा, एल है जोड़ा ऑटोमैटिकली एन दे पैरल होएगा। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 6.2, इन फिगर द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले बेटा एक्स ते वाई दी वैल्यूज असी फाइंड करनियां ने, उस तो बाद आप शो करनियां ने वे दोनों पैरेलल। एक्स प्लस बेटा इहदे विच की है, देखो एक्स प्लस 50 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तुहानू ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज दस्ते कि पेयर ने लीनियर पेयर। एक्स का बराबर आ जाएगा 50, इधर आके माइनस हो गया 180 माइनस 50, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक आंसर तुहाडे कोल ऑलरेडी आ गया। उस तो बाद वाई इज इक्वल टू आ भी तुहानू ऑलरेडी दस चुके हैं, वाई है जिहड़ा कादे इक्वल होएगा 130 डिग्री दे, क्यों इहदा रीज़न की है, इहदा रीज़न नाल जरूर मैनशन करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखो बेटा एक्स भी 130 सी, वाई भी 100, ये दोनों आपस के भी बराबर हो गए, एक्स ते वाई आपस के इक्वल हो गए थ्यूरम के मुताबिक। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जे अल्टरनेट तुम दसिया थ्यूरम के, जे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ने जोड़े इक्वल होंगे ने, दैन ए बी इज पैरल टू सी डी, हैंस प्रूफ। फस्ट ऑफ ऑल असी एक्स की वैल्यू फाइंड की, फिर वाई की वैल्यू फाइंड की, ये दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, दैन असी शो करना सी, प्रूव करना सी, की करना सी, ए बी है जोड़े सी डी दे पैरलल है, वो किस तरह हो गया, एक्स ते वाई दोनों इक्वल ने, ये किहड़े एंगल ने, एक्स ते वाई किहड़े एंगल ने, अल्टरनेट इंटीरियर, जे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंदे ने तां लाइनस दोनों की होनी पैरलल होंगे।